एवरीवन, मैं हूँ पाखी और आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पाखीज फूड हब में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज। ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं और इसे बनाना एकदम इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं लच्छा प्याज बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्याज। उसके बाद हम प्याज को काट लेंगे कुछ इस तरह से। पहले हम इसके छिलके को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमें छिलके को निकाल लेना है। फिर हमें इसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। हम इसको जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं। ये सारे कट हो जाए फिर हमें इसके सारे स्प्लिट्स को अलग कर लेने हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसको साइड कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे ग्रीन चिली। यहाँ पे हमने एक ग्रीन चिली यूज़ किया है। आप इसके सारे बीज को निकाल सकते हैं। फिर हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है। चिलीज कट होने के बाद फिर हम लेंगे धनिया पत्ता। यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। इसको भी हमें कट कर लेने हैं। आप इसे एकदम बारीकी से कट करें, पूरा एकदम चॉप कर लें। ये कट हो जाए फिर हमें इसको साइड कर लेना है। और हम लेंगे एक नींबू, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। जो जो हमने कट किया था वो सब हम इसमें ऐड कर लेंगे। के बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हम ऐड करेंगे नींबू का रस तकरीबन 1 टेबलस्पून तक। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा मिक्स एकदम तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाके जो लच्छा प्याज खाते हैं वो एकदम बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट आएगा। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू रेसिपीज़। ये वाली रेसिपी तो आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें मुझे फेसबुक ग्रुप में ऐड होना तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।